अरे प्लीज आप ऐसे मत रोए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बेटा तुम्हारे बाबा मुझे इस दुनिया में अकेला कर गए, अब मैं जी के क्या करूंगी? मम्मी आप हमारे लिए जिएंगे, मम्मी ऐसी बातें मत करें। हमारा शत्रुआ कौन है? बेटा तुम्हारी माँ को अल्लाह सलामत रखे, मुझे तो पता ही नहीं था कि भाई साहब को दिल का अटैक हुआ है। मैं तो मरी में था, मुझे पता होता ना तो पहले आ जाता। लेकिन चलो अब भी किसी टाइम पे भी आवाज दोगी ना मामू को, मैं हाजिर, मैं भी तुम्हारे बाप की जगह हूँ बेटा। माम मैं तुम्हारे भाई के जैसा हूँ, किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, पैसा बहुत है हमारे पास। अच्छा मुनजा बहन, सोहिम के खाने और डेकोरेशन की पेमेंट मैंने कर दी है, और भी किसी चीज की जरूरत हो ना बेधड़क कह देना। और बहन मैंने सफदर को भी कह दिया है, एक आधा चक्कर यहाँ का लगा लिया करेगा। नहीं सफदर खुद भी बहुत बिजी होगा, इसकी जरूरत नहीं है। अरे बेटा तुम्हें जमाने की ऊंच नीच का पता नहीं, जिस घर में मर्द ना हो ना तो लोगों की नजरें और उंगलियां फालतू में इस घर पे उठने लगती है। हाँ सफदर के आने जाने से ना भरम बना रहेगा, मैं आता जाता रहूंगा। अल्लाह ना करे ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा मुनीजा बहन हम चलते हैं, फिर आएंगे, तुम अपना ख्याल रखना, तुम भी बच्चियों अपना ख्याल रखना है। आ जाओ भाई, किसी भी टाइम पे फोन कर लेना। ऑफिस का काम घर लाने लग गई हो? बस हमें कुछ ऐसी मुश्किलात हैं जो टल ही नहीं रही, एक जाती है तो दूसरी सामने आ जाती है। अल्लाह हमें इन मुश्किलात से निकाल दे। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ बेटा, शायद मैं तुम्हें कोई मशवरा दे सकूं। आप बस दुआ करें कि आपकी बेटी इन मुश्किलात से निकल जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कोई खास मुश्किल लग रही है, कोई खास मसला है? बहुत सी मुश्किलात टल गई हैं, मगर आगे देखती हूँ तो जिंदगी गुजारने का कोई सिलसिला नजर नहीं आता। पता नहीं तुम्हारे बाबा कैसे मैनेज कर लेते थे सब कुछ,
कैसे सारा कारोबार संभाल लेते थे, मुश्किलें हल कर लेते थे और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता था। वफा, बेटा वो माहम की फीस का क्या हुआ? उसकी डेट निकली जा रही है। सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। तुम बताओ, हाउ वाज योर डे? डे वाज फाइन। बस कॉलेज से नोटिस मिल गया है कि अगर सेमेस्टर की फीस जमा ना हुई तो मैं एग्जाम्स में नहीं अपीयर कर सकती। डोंट वरी, हो जाएगी फीस सबमिट। कैसे कैसे हो जाएगी फीस सबमिट? 65,000 रुपीस हैं, कहाँ से अरेंज होंगे? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ये किस तरह का बिजनेस था। एक महीना हो गया है, बस दिए चले जा रहे हैं। तुम हो के तसल्लियां दिए जा रही हो कि फीस सबमिट हो जाएगी। क्या हुआ अम्मी, ये क्या है? नोटिस है शायद, अनवर एंटरप्राइजेस से आया है। मैं देखो। हाँ, क्या लिखा है? अनवर एंटरप्राइजेस के मैनेजर की तरफ से है। लिखा है कि मामा, पहले शाकिर एहसान साहब के साथ कोई डील हुई है, उसके मामला आके तय कर दें। या अल्लाह रहम, अब ये क्या नई मुसीबत आ गई है? मम्मी आप प्लीज परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं कल जाऊंगी, मैं बात करूंगी उनसे। मामला तो क्या करने होंगे ना मम्मी, हमें पता होना चाहिए हम कहाँ खड़े हैं। आप ये बात प्लीज माम को मत बताइएगा। मैं कल जाके देख, ठीक है? और कहाँ? जी सर, वफा साहब आई हैं। कौन, कहाँ से? सर वो हमारे पार्टनर शाकिर एहसान साहब के साथ जा रही है। अच्छा, भेज दीजिए। आप थोड़ी देर तक तशरीफ लें। जी आइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वफा है, मैं मरहूम शाकिर एहसान की बेटी हूँ। Thank you.
तशरीफ रखें। महमूद साहब से कहिए कि शाकिर अहसान साहब की फाइल कमरे में भेजते हैं। थैंक यू। मैंने ये नहीं जानता कि आपके फादर ने इस बिजनेस के बारे में किस हद तक आप लोगों को बताया था, मगर मैं मुख्तसरन बता रहा हूँ कि मैं उनके इस बिजनेस में स्लीपिंग पार्टनर की हैसियत से था। क्या इस पार्टनरशिप की आप कुछ वजाहत करेंगे? क्यों नहीं, आइए। सर, ये एग्रीमेंट के पेपर्स हैं और ये कंपनी के प्रॉफिट ड्यूज हैं जो शाकिर अहसान साहब ने अदा करने थे। ठीक है, आप जाइए, मैं देख लेता हूँ। ये एग्रीमेंट अच्छी तरह देख लीजिए। इस एग्रीमेंट के तहत शाकिर अहसान साहब ने हमसे 2 करोड़ रुपया लोन में लिया। प्रॉफिट शरह के अतबार से 20 लाख से ज़्यादा बनता है, मगर उनकी डेथ की वजह से हमने 20 लाख की रियायत कर दी। तो अब हमें क्या करना है? आपने जल्द से जल्द कर्ज की अदायगी करनी है। लेकिन हमारे पास तो अब कुछ भी नहीं है, हम इतनी बड़ी रकम कैसे अदा करेंगे? देखिए वफा साहिबा, हमारे पास आपके मकान के कागजात हैं, इसमें आप लोग का भी रिहाइश पजीर है और वो मकान हमारे पास गिर गया। एग्रीमेंट के तहत हम उस मकान को सील करके अपनी रकम हासिल करने की कानूनी हैसियत रखते हैं। हाँ, तमाम पेपर्स की कॉपी मुझे भी दे दीजिए, मैं एक तफसीलन पर नज़र डालना चाहती हूँ। साहब, इन तमाम पेपर्स की एक एक कॉपी वफा साहबा को दे दीजिएगा। एक बात पूछना चाहती हूँ दानियाल साहब। जी पूछिए। हमारा बिजनेस तो ठीक चल रहा था, भाभा ने आपसे इतना पैसा क्यों लिया? ठीक नहीं चल रहा था। तकरीबन 1.5 साल पहले आपके फादर को एक बिजनेस क्राइसिस से गुजरना पड़ा था। कारोबार की साख संभालने के लिए उन्होंने हमसे रुजू किया, हमने उन्हें रकम फराहम कर दी। एक कारोबारी दुनिया बहुत अजीब होती है वफा साहिबा, इसमें कभी फायदे के पीछे नुकसान और कभी नुकसान के पीछे फायदा छुपा होता है। एक अच्छा कारोबारी शख्स वही होता है जो अपने कारोबार में अपने फायदे से ज्यादा अपने नुकसान पर नजर रखता है। जी मैं समझ सकती हूँ, बाबा शायद एक अच्छे कारोबारी शख्स नहीं थे जो अपने कारोबार से रिश्ते मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। शायद वो समझ नहीं पाए कि कारोबार डूबे तो रिश्ते भी डूब जाते हैं। सही कहा आपने, इसलिए मैं रिश्ते कारोबार से अलग रखता हूँ। अब पेपर्स की कॉपी बाहर महमूद साहब से ले लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि 1-2 दिन में आप इसका हल निकाल लेंगी। मैं आपका मुंतजर रहूँगा। यहाँ कैसे? हाँ, मैं तो इसी ऑफिस में काम करता हूँ। तुमने कभी बताया नहीं? क्या बताता और कैसे बताता, अपने वालिद की वफात के बाद तुमने रابطہ ही तोड़ लिया।
मैंने कितनी बार फोन किया तुम्हें, लेकिन तुमने मेरी कॉल ही रिसीव नहीं की। अबू के इंतकाल के बाद कुछ ऐसे हालात पेश आ गए थे, हम मुश्किलों में गिर गए थे, इसलिए मैं किसी से राब्ता भी नहीं रख पाई। यानी तुमने मुझे भी उन्हीं लोगों में शुमार किया जिनसे मिलना जरूरी नहीं था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इंसान आंधियों में घिर जाए तो औसान खत्म हो जाते हैं। वफा, बहुत कुछ पूछना है, बहुत कुछ बताना है तुम्हें, कहीं चल के बैठे? अच्छा तो ये होगा कि कुछ ना पूछो, कुछ ना बता। मेरे पास तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं होंगे शायद। क्यों? क्या वक्त के साथ साथ हमारा रिश्ता, हमारा ताल्लुक बेमायने हो गया? नहीं, मैंने ये कब कहा? तुमसे ताल्लुक कैसे बेमायने हो सकता है? तो फिर इतनी अजनबियत क्यों बरत रही हूँ? अजनबियत नहीं बरत रही हूँ आशिर, मैं तुमसे क्या कहूँ, मुझे अपने फैसलों पे इख्तियार नहीं रहा। समझ रहा हूँ, तुम्हारी आंखों में बहती उलझने देख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ इन आंखों में लिखा एक एक लफ्ज। हाँ, तुम देख सकते हो, पढ़ सकते हो, अगर तुम मेरी उलझने दूर नहीं कर सकते। मैं इस वक्त हालात की ऐसी दलदल में खड़ी हूँ आशिर, कि मेरी जानिब बढ़ोगे तो खुद भी धंसते चले जाओगे। मत पढ़ो मेरी जानिब, अब मत पढ़ो। सोच रही थी कि अबू ने हमारे लिए कितने गमों का सामना किया, लेकिन कभी गम हम तक पहुंचने नहीं दिया। दुख हमेशा उन्होंने अकेले ही झेला। हाँ, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिन दुखों को वो हम तक पहुंचने ही नहीं दे रहे, उनके बाद वो हमारा क्या हश्र करेंगे। देखते हैं अम्मी, मैं पेपर्स को अच्छी तरह देख लो, फिर कोई हल निकालने की कोशिश करते हैं। तुम कह रही थी कि वो कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है। बात ये नहीं है अम्मी कि वो क्या कर सकते हैं, बात ये कि हम क्या कर सकते हैं। मुझे तो लग रहा है हम कुछ भी नहीं कर सकते। आपको पता है, ऐसे भी हो सकता है कि ये मकान भी अब हमें साया ना दे। वो हमें इस मकान से कभी भी बेदखल कर सकता है, क्योंकि हम इतनी बड़ी रकम उतार ही नहीं सकते। तुम्हारे बाबा की अचानक मौत ने तुम्हें कितनी परेशानियों में डाल दिया है ना बेटा, इतना कुछ कर रही हो तुम। मैंने तो कुछ भी नहीं किया अम्मी, हम तो सब नसीब का लिखा ही निभा रहे हैं, सब कुछ पहले से ही तो तय हुआ है, दुख भी और सुख भी। माँ हमको कैसे बताएंगे, वो तो बहुत परेशान हो जाएगी। अब माँ हमसे कुछ मत कहिएगा, उसको वापस आने दे, मैं खुद ही उसको बैठकर समझाऊंगी। वफा बाजी, कितनी बार दे चुकी हैं ये फाइल, जब उन्होंने सारा काम कानूनी तरीके से किया हुआ है तो फिर आप क्या कर सकती हैं?
मैं सोच रही हूँ कि अब्बू ने जब ये अग्रीमेंट साइन किया होगा और जब ये मकान गिरवी रखवाया होगा तो के दिल पे कितना भारी पत्थर होगा ना। बात यह है बाजी कि अब्बू ने अपने गिरते हुए बिजनेस को संभालने के लिए कुछ ऐसे जरा इस्तेमाल किए जो शायद उन्हें इस्तेमाल ही नहीं करनी चाहिए थे। माम ये तुम कैसी फजूल बातें कर रही हो, जानवर भी अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाते हैं, मौसम और आफात से उनका तहफ्फुज़ करते हैं, तो क्या इंसान अपने बच्चों के तहफ्फुज़ के लिए कुछ भी नहीं करेगा? अब्बू ने जो भी किया, जिस तरह भी किया, हमारे लिए किया। देखिए वफा बाजी, मैं ये नहीं कह रही कि जो उन्होंने किया वो गलत था, लेकिन इस तरह सब कुछ दांव पे लगा देना। कभी कभी इंसान की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आ जाता है कि वो सब कुछ दांव पे लगाने के लिए मजबूर हो जाता है। देखा ये जाता है कि उसने किस मकसद के लिए सब कुछ दांव पे लगाया, और अब्बू का मकसद सिर्फ हम थे, हमारा मुस्तकबिल, हम उनकी वजह थे। तो क्या ये घर हमसे छिन जाएगा? माम, घर दरो दीवार का नाम नहीं होता है, रहने वालों से ही तो घर बनता है ना। प्लीज तुम्हें मत मतारो, मुझे इस वक्त तुम्हारी जरूरत है और अम्मी को हम दोनों की। हम भी बिजनेस करते हैं माशाल्लाह, लेकिन आंखें रखते हैं खुली। कारोबार में ऐसा थोड़ी होता है, ना असल का पता ना मुनाफे की खबर। अरे मैं तो समझ रही थी कि भाई मियां ने सोने की दीवारें बना ली होंगी कमा कमा के, लेकिन यहाँ तो मिट्टी और गारे की भी दीवारें बचने वाली नहीं। सच पूछे तो बहुत हैरत हो रही है ये 2 करोड़ वाली बात सुन के। शाकिर ने सबको चौड़े में मरवा दिया। अब आप लोग एक लफ्ज भी मत कहिएगा, मैं अपने बाबा के खिलाफ अब कुछ नहीं सुनूंगी। अरे देखो कैसे बड़ों के सामने बोलिए। परेशान है ये बहुत, आप माइंड ना कीजिएगा, बुरा ना मनाइएगा प्लीज। भाई परेशानियां आती हैं और मिल बांट के हल हो जाती हैं, अपने होते इसी टाइम के लिए। देखे बहन, वफा जैसे भाई मियाँ के साथ थी ना, इसी तरह सफदर भी इनके साथ लगा है, लेकिन फर्क यह है कि एक जूस की फैक्ट्री से 4 जूस की फैक्ट्रियां बना ली इसने। हाँ, अब तो आपकी दुआ से टंडो आदम में शुगर मिल भी लगा रहा हूँ माशाल्लाह से। सफदर के अब्बा, बात कर रहे देखो भाई, मुनिजा बहन ऐसा है कि आपने इस मसले के हल के लिए अपना समझा है, तो मैं भी अपनों वाली बात करूंगा जिससे अपनाइयत बढ़े। भाई हम तो बचपन ही से चाहते थे कि हमारे सफदर और वफा की शादी हो जाए। अब ऐसा है कि रिश्ता तय कर देते हैं, फिर हमारा सफदर चुटकियों में 2 करोड़ पार्टी के मुंह पे मारेगा और मकान भी अपना हो जाएगा और रिश्तेदारी भी मजबूत। मामूजान, आपकी इस ख्वाहिश के जवाब में जो इनकार मेरे बाबा ने किया था आज भी वही है। हद होती है, हर शख्स हमारी मजबूरियां खरीदने के लिए आ गया है। निसार मामू, ये आपकी बहन का घर है, आपका जब जी चाहे आप आए, लेकिन इस ख्याल के साथ दोबारा आने की जहमत ना कीजिएगा। कोई नहीं, बच्ची है, खैर है, लेकिन आप समझाइएगा उसे, अपने अपने होते हैं, फिर आएंगे हम। चलो भाई आ जाओ। आए जहां
दिल दुखेंगे लेकिन उम्मीदों के पर तो खुले ही रहेंगे। वफा, ये आखिर क्यों तुमने अपने साथ साथ हम सब की जिंदगियों को भी मुसीबत में डाल रखा है? कैसे खत्म होंगे ये वबाल? अम्मी, मैंने ऐसा क्या किया है? क्यों चाहती हो तुम कि हम सब तुम्हारी मर्जी से जिंदगी गुजारें? मैं तो ऐसा कुछ नहीं चाहती। आप बताएं, आप क्या चाहती हैं? मैं क्या करूं? मैं कुछ नहीं चाहती, लेकिन जो वक्त चाहता है वो ही करना पड़ेगा। आखिर ऐसा क्या गलत कह दिया तुम्हारे मामू ने जो तुमने इस तरह का जवाब दिया उन्हें? मामू बाबा की इंसल्ट कर रहे थे और मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मान लेना चाहिए बेटा, मान लेना चाहिए कि तुम्हारे बाबा से जिंदगी में कुछ ऐसे फैसले हुए हैं जो नहीं होने चाहिए थे। अब तुम्हारे मामू ने जो हल बताया है वही मुनासिब लग रहा है ना? तो आप चाहती हैं कि मैं सफदर से शादी कर लूं और वो हमारा कर्जा उतार दे? हाँ, तो इसमें ऐसी गलत बात क्या है? करोड़पति है, मुश्किल वक्त में हमारा साथ देना चाहता है, तुम्हारा हाथ थामना चाहता है, तो इसमें क्या हर्ज है? अम्मी, मैं उस मैट्रिक फेल करोड़पति से शादी नहीं करूंगी। अब इन हालात में शहजादे तो आसमान से उतरने से रहे तुम्हारे लिए, कैसे उतारोगी कर्ज? मैं दूंगी कर्ज, इंस्टॉलमेंट्स में दूंगी, मैं जॉब करूंगी, मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद करना चाहती हूँ। आप प्लीज घबराएं मत, मैं हारी नहीं हूं अभी तक। बाबा, आपकी बेटी बहुत कमजोर पड़ गई है। आपने मुझे इन मुश्किलों से निकलना तो सिखाया होता, लेकिन बाबा आपके जाने के बाद मुझे इस जमाने ने बहुत कुछ सिखा दिया है। मैं बहादुर बनना चाहती हूँ बाबा, और फिर टूट जाती हूँ। आपकी बेटी बुजदिल नहीं है मगर कमजोर है। आशिर अम्मी हॉस्पिटल में है और माम कॉलेज गई है। मैं तुम्हें अंदर आने का नहीं कह सकती। घर में ना सही, घर की चौखट पे तो बात हो सकती है ना? मेरी मजबूरी समझो, मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। मैं यही तो जानने आया हूँ वफा, ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं जो तुम्हें दानियाल साहब के ऑफिस तक आना पड़ा? ये हमारा जाती मामला है। जाती मामला है? जाती कुछ भी नहीं होता वफा, हमारे दुख सुख कुछ भी जाती नहीं होते। हर दुख और हर सुख किसी ना किसी की वजह से होता है। हमारे तो इरादे तक आजाद नहीं होते। आशिर, एक कड़वा सच सुनना पसंद करोगे? अगर कोई ऐसा सच है जिसे मुझे दुख और तुम्हें सुख मिले तो मैं बिल्कुल सुनना चाहूंगा। दरअसल मैं जिन हालात को झेल रही हूँ, अगर तुम मेरे करीब आ भी गए, बल्कि बहुत करीब, मैं भी तुम मुझे उनमें से निकाल नहीं सकते। जानना चाहते हो क्यों? क्यों? वो इसलिए कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, सिर्फ सहारा देने वाले अल्फाज हैं, और एक डूबते हुए इंसान को लफ्जों से नहीं बचाया जा सकता। वफा, मैं हासिल करूंगा दौलत तुम्हारे लिए, मैं अपना एक एक लम्हा बेचूंगा तुम्हारी खातिर, तो मुझ पे एतबार तो करो। मैं नहीं देख सकता तुम्हें तकलीफ में, इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। तुम्हारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं कि तुम अपनी आंखें मेरी तरफ से बंद कर लो। आंखें बंद कर लो? डूबने दूं तुम्हें दुख के समुंदर में और साहिल पे खड़ा रहकर तुम्हारा तमाशा देखूं? यही चाहती हूँ ना तुम? चले जाओ यहां से।
अम्मी आती होंगी, मैं क्या कहूंगी? तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अजनबी नहीं हूँ वफा, अजनबी नहीं हूँ। जिसका दिल धड़कन के साथ धड़के वो अजनबी नहीं होता। कल शाम 5 बजे मैं उसी रेस्टोरेंट पर तुम्हारा इंतजार करूंगा जिस पर मिला करते थे हम, और अगर तुम ना आए तो मैं समझूंगा हमारे दरमियान कुछ भी बाकी नहीं रहा, बस एक अजनबियत सी रह गई। क्या हुआ है वफा बाजी? बहुत परेशान हूं मैं मां, मेरी जिंदगी में वापस आ गया है। कौन? हाशिर भाई? आज घर पे भी आया था। क्या बाकी? वो मेरे पल पल से आशना होना चाहता है। मुसीबत तो यह है कि वो दानियाल साहब के ऑफिस में काम करता है, वहीं पे इत्तेफाकन मुलाकात हो गई। तो क्या कहते हैं वो? कहना क्या है, टूटे हुए सिलसिले को वापस जोड़ना चाहता है। उसे नहीं मालूम कि हमारे हालात की किरचियां बिखरी हुई हैं और उन्हें समेटने में खुद भी जख्मी हो जाएगा। बाजी, आप उन्हें इतना कमजोर क्यों समझ रही हैं? हो सकता है कि वो हमारी कुछ हेल्प कर सके। उसके पास कुछ नहीं है माँ, और अगर मैंने उससे कुछ मांगा और वो ना दे पाया तो उसकी इज्जत नफ्स मजरूह होगी। ये मुझे किसी भी कीमत पर कबूल नहीं। आप भी अजीब हैं, ना ही ठुकराती हैं ना ही कबूल करती हैं। मैं ठुकराना नहीं चाहती, सिर्फ दूर रखना चाहती हूँ उस आग से जिसमें हम जल रहे हैं। अब इसे मोहब्बत समझो या कुछ और। तो क्या वो रुक जाएंगे? पता नहीं, मगर मैं कोशिश जरूर करूंगी। मगर क्यों? आप उनको रोकने की कोशिश क्यों करेंगी? अगर वो आपकी मदद करना चाहते हैं तो आप उन्हें करने देना। बल्कि मेरी तो एक राय है, अगर आप बुरा ना माने तो। क्या? आप हाशिर भाई का हाथ थाम लें, उनसे शादी कर लें। मुझे लगता है कि वो आपके लिए बहुत अच्छा हमसफर साबित होंगे। माँ, मुझे एक हमसफर की नहीं, एक सहारे की जरूरत है जो बाबा का डूबा हुआ बकार बचा सके। मैं जिंदगी भर उसकी बांदी बनकर रहूंगी। खैरियत है, क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं अम्मी, बस हालात के मुतालिक बात कर रहे थे। और वो नोटिस वाला मामला, वो कैसे हल होगा बेटा? अम्मी, अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। पता नहीं किस्मत हमसे क्या क्या चाहती है। पर तो खुले ही रहेंगे। मेरा नाम वफा है, मैं मरहूम शाकिर अहसान की बेटी हूँ। तुमने देखा सितारे भी देखे के हद्दें
एहसान करते हुए कभी ये एहसास भी नहीं होता कि इस एहसान का बदला कोई अचानक किसी मौत पर छोड़ जाना एहसान से चुका देगा। शाकिर एहसान साहब आपकी मौत ने वफा से मिलाकर मुझ पर जो एहसान किया है उसे मैं उम्र भर याद रखूंगा।